है तो 3, 2, 1। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का अपने चैनल कार्डनडेस्कोप स्कूल में। मैं हूं आप सभी का होस्ट आकाश। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन को बिल्कुल भी दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, आज हम आप सभी के लिए लेके आए हैं स्विफ्ट 2021 का डिटेल्ड रिव्यू। गाड़ी VXI वेरियंट है और लगभग 16,000 किलोमीटर ये गाड़ी चल चुकी है। इस वीडियो में हम इसका डिटेल्ड रिव्यू करेंगे और साथ में टेस्ट ड्राइव भी करेंगे। बाकी आपको पिकअप वगैरह बताएंगे कैसा है और एक साल बाद गाड़ी की कंडीशन कैसी है, तो ये सारी चीजें एक्सप्लेन करेंगे। तो चलिए फिर दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाली है, एंड तक देखिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, कुछ ऐसी दिखती हैं स्विफ्ट VXI की, कि इसके अंदर आपको पुश स्टार्ट वगैरह नहीं मिलेगा। और जैसा कि आप देख रहे हैं, कुछ ऐसा लुक आता है गाड़ी का फ्रंट से। लुक की बात की जाए तो दोस्तों, ये वाली जो स्विफ्ट आई है ना, स्विफ्ट की ये वाली जनरेशन जो आई है, काफ़ी बेहतरीन लगती है देखने में। बाकी गाड़ी की बात की जाए, 2021 मॉडल है, 16,000 किलोमीटर ये गाड़ी चल चुकी है। और जैसा कि आप कंडीशन वगैरह देख पाए होंगे, गाड़ी जो है काफ़ी अच्छी कंडीशन में है और लगभग पूरी गाड़ी ओरिजिनल है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। बाकी VXI वेरिएंट में आपको LED वगैरह नहीं मिलती है, पीछे आपको नॉर्मल टेल लाइट्स मिल जाती हैं। और आगे हेडलाइट्स की भी बात करें तो वह भी आपको नॉर्मल हेलोजन वाली ही मिलती हैं। तो जैसा कि आपने देखा, कुछ ऐसा वॉक अराउंड है गाड़ी का। बाकी अब फ्रंट ग्रिल की बात कर लेते हैं। ग्रिल के अंदर आपको क्रोम फिनिश मिल जाती है, सेंटर में सुजुकी का लोगो मिल जाएगा। और हेडलाइट्स की बात की जाए तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हेलोजन बल्ब मिल जाता है, साइड इंडिकेटर भी हेलोजन मिलेगा, LED DRLs वगैरह नहीं मिलती हैं। और नीचे फॉग लाइट्स की बात की जाए तो VXI वेरिएंट में आपको फॉग लाइट्स भी नहीं मिलेंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। और अब आ जाते हैं साइड की तरफ, तो जैसा कि आप देख रहे हैं, कुछ ऐसा लुक आता है गाड़ी का साइड से। और टायर साइज़ की बात कर लेते हैं सबसे पहले, तो इसके अंदर आपको 14 इंच के टायर मिल जाते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। और यह है गाड़ी का टायर साइज़। व्हील कैप्स मिलेंगे, अलॉय व्हील वगैरह नहीं मिलेंगे। साइड इंडिकेटर आपको मिलेंगे साइड मिरर पे, जो कि एक काफ़ी अच्छी बात है। और बाकी इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल आपको साइड मिरर्स मिल जाते हैं VXI वेरिएंट में। डोर हैंडल की बात की जाए तो बॉडी कलर में आपको डोर हैंडल मिलेंगे। और पीछे का जो डोर हैंडल है, ये आपको ऊपर में मिलेगा कुछ इस तरीके से। एंटीने की बात की जाए तो इसके अंदर आपको ये एंटीना मिल जाएगा। बाकी पीछे आप देख रहे होगा, हाई माउंटेड स्टॉप लैंप है। रियर डिफोगर वगैरह आपको इस गाड़ी के अंदर नहीं मिलेगा और VXI की बैजिंग भी नहीं है इस पे। बाकी इस साइड में आपको मिलेगी स्विफ्ट की बैजिंग और सेंटर में मिल जाती है सुजुकी का लोगो। नीचे की तरफ आ जाए तो 4 पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं गाड़ी के अंदर आपको, पर रिवर्स कैमरा नहीं मिलेगा। लाइट्स की बात की जाए, नॉर्मल हेलोजन हेडलाइट्स टेल लाइट्स मिल जाती हैं आपको। तो अब सबसे पहले आपको गाड़ी का बूट खोल के दिखा देते हैं। बूट के अंदर आपको बटन मिल जाएगा, जिससे कि आपका बूट खुल जाएगा। और जैसा कि आप देख रहे हैं, कुछ इतना स्पेस आपको गाड़ी के बूट के अंदर मिल जाएगा। बाकी स्पेस वगैरह की बात की जाए तो वो आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है पुरानी स्विफ्ट से अगर आप कंपेयर करेंगे। और ये आपका स्पेयर टायर है। टायर साइज़ की बात की जाए तो 14 इंची का ही टायर मिल जाता है। बाकी साइड वगैरह में कुछ ये है, और आपको पीछे लाइट भी नहीं मिलेगी बूट के अंदर, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। बाकी बूट के जो है ना, बूट काफ़ी हल्का है। अब आ जाते हैं हम पैसेंजर साइड डोर की तरफ, और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, कुछ ऐसा दिखता है गाड़ी का पैसेंजर साइड डोर। सिंगल टोन इंटीरियर मिलता है गाड़ी के अंदर, जैसा कि आपको पुरानी स्विफ्ट के अंदर मिलता था।
डोर हैंडल्स पे क्रोम फिनिश मिल जाएगी। ये लॉक एंड लॉक हैंडल है, ये डोर हैंडल है आपका, ये आपके पावर विंडो कंट्रोल मिल जाएंगे। पीछे बोतल होल्डर मिल जाता है, पर वैसे कोई स्पेस नहीं मिलेगा, सिर्फ बोतल होल्डर मिलेगा। और एक स्पीकर मिल जाता है पीछे। और जैसा कि आप देख रहे हो, ये जो लेदर अपहोल्स्ट्री है ये आफ्टर मार्केट है, कंपनी फिटेड इसके अंदर आपको नहीं मिलेगी, कंपनी फिटेड फैब्रिक आती है। और ये आप देख रहे हैं पार्शियल ट्रे। बाकी अब अंदर स्पेस की बात कर लेते हैं, तो आगे की सीट जो है 5'10" के हिसाब से एडजस्ट है, और पीछे इतना स्पेस बचा हुआ है, तो स्पेस वगैरह ठीक ठाक मिल जाता है। हेड स्पेस की बात की जाए तो वो भी ठीक ठाक है, जैसा कि आपने देख ही लिया होगा। बाकी कुछ ऐसा दिखता है डैशबोर्ड गाड़ी का, और जैसा कि आप देख रहे होगा सेंटर में ये टच स्क्रीन नहीं है, वो हम आपको आगे दिखाएंगे। अभी सेंटर में आपको बोतल होल्डर मिल जाएगा, और कुछ ऐसा व्यू आएगा अंदर का पैसेंजर डोर्स का। और ये आपको मिल जाएंगे ग्रैब हैंडल्स पीछे। तो आगे चलते हैं, ये आपके चाइल्ड लॉक्स। तो अब आ जाते हैं ड्राइवर डोर की तरफ, और जैसा कि आप देख रहे हैं कुछ ऐसा दिखता है गाड़ी का ड्राइवर साइड डोर। यहाँ पे आपको प्लास्टिक पे थोड़ी कार्बन टाइप की फिनिश दी गई है, बाकी है सिंगल टोन इंटीरियर गाड़ी का। ये आपके साइड मिरर के कंट्रोल्स हैं, चारों पावर विंडो कंट्रोल्स, लॉक अनलॉक करने का बटन। बाकी यहाँ पे आपको बोतल होल्डर मिल जाएगा, स्पीकर मिल जाता है, ट्विटर नहीं मिलेगा। और कुछ ऐसा इंटीरियर है गाड़ी का फ्रंट से। सबसे पहले इंटीरियर दिखाने से पहले आपको गाड़ी का बूट दिखा देते हैं खोल के। तो यहाँ से जो है गाड़ी का बोनट खुल जाएगा, तो दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हो कुछ ऐसा दिखता है गाड़ी का इंजन। और 16,000 किलोमीटर चलने के बाद गाड़ी का इंजन जो है काफ़ी बढ़िया कंडीशन में है, कोई भी दिक्कत नहीं है। और वैसे भी आप जानते हैं एक साल पुरानी गाड़ी है, तो इंजन वगैरह में कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी इंजन के डिटेल्स की बात की जाए तो इसके अंदर आपको मिल जाता है 1197 cc का 4 सिलेंडर के सीरीज पेट्रोल इंजन, जो कि जनरेट करता है 88 bhp की पावर, 113 nm का टॉर्क। माइलेज की बात करें तो कंपनी 23 का माइलेज क्लेम करती है 37 लीटर के फ्यूल टैंक से। तो दोस्तों अब चलते हैं गाड़ी के अंदर, और आपको फ्रंट का इंटीरियर दिखा देते हैं गाड़ी का। तो इसकी टच ड्राइव चालू करते हैं। बोनेट में वजन बिल्कुल नहीं है, तो सेफ्टी के पर्पज से अगर आप स्विफ्ट लेने की सोच रहे हैं तो इसको बिल्कुल भूल जाएं, सेफ्टी आपको इसके अंदर नहीं मिलेगी। बाकी एयरबैग वगैरह जरूर मिल जाते हैं, पैसेंजर और ड्राइवर के दोनों ही एयरबैग आपको इसके अंदर मिल जाएंगे। पर सिर्फ एयरबैग से कुछ नहीं होता दोस्तों, बॉडी में भी मजबूती होनी चाहिए। तो सबसे पहले आपको मीटर ऑन करके दिखाएंगे गाड़ी का, ये हमने डाल दिया, और कुछ इस तरीके से मीटर ऑन होगा। बाकी मीटर की बात की जाए तो इसके अंदर आपको जैसे कि आप देख रहे हैं किलोमीटर पर लीटर का माइलेज, एवरेज रेंज, ये सारी चीजें मिलेगा। नीचे आपको फ्यूल शो करेगा, इस साइड में आपको RPM शो करेगा, इधर स्पीड शो करता है। और यहाँ पे बात की जाए तो ये ऑटो स्टार्ट स्टॉप का बटन है, जैसे कि आपको महिंद्रा के अंदर मिल जाता है, वही सेम अब मारुति ने भी देना चालू कर दिया। ये आपका हेडलाइट लेवलिंग का स्विच है। स्टेयरिंग व्हील पे बात की जाए तो इस पे आपको मिल जाएंगे इधर म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स, ये आपके ब्लूटूथ के कंट्रोल्स हैं। और स्टेयरिंग व्हील जो है हाइट एडजस्टेबल है, रीच एडजस्टेबल आपको नहीं मिलेगा। अब आ जाते हैं सेंटर कंसोल की तरफ, ये आपको डबल इंडिकेटर का बटन, और ये है इसका म्यूजिक सिस्टम। जैसे कि आपको पीछे से देख के लगा होगा कि ये टच स्क्रीन है, पर टच स्क्रीन नहीं है। आपको इसकी साउंड सुना देते हैं एक बार। तो फिलहाल ये कोई सिग्नल कैच नहीं कर रहा है, कोशिश करते हैं हम। तो जैसा कि आपने सुना म्यूजिक सिस्टम की साउंड वगैरह जो है इतनी कोई खास नहीं है, खास क्या बिल्कुल भी खास नहीं है, जैसा कि आपने सुनी लिया होगा। तो इसके अंदर फीचर्स की बात करें तो आपको मिल जाता है USB, AUX और ब्लूटूथ, CD वगैरह नहीं है। बाकी AC के कंट्रोल्स की बात की जाए कुछ ऐसे आपको AC के कंट्रोल्स मिल जाएंगे VXI वेरिएंट में गाड़ी के में। ये आपका ऑन ऑफ का बटन है, ये ब्लोअर के कंट्रोल्स हैं, इधर आपको मिलेंगे मोड्स, और यहाँ से आप अपना टेम्परेचर वगैरह सेट कर सकते हैं। ये AUX और USB है, 12V का चार्जिंग सॉकेट। यहाँ पे आपको थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे दो कप होल्डर्स मिल जाते हैं। 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन है, और ये आपका मैनुअल हैंडब्रेक है। बाकी ग्लव बॉक्स की बात की जाए तो इसके अंदर आपको ठीक ठाक स्पेस मिल जाता है, और ये आप देख रहे हैं
क्वालिटी कैसी है। अगर आप 7 लाख या 8 लाख रुपए गाड़ी को दे रहे हैं और इस तरीके की मारुति जो है क्वालिटी दे रहा है आपको, जैसा कि आपने देख ही लिया होगा। बाकी एक एयर बैग आपको उधर मिल जाएगा और एक एयर बैग आपको इधर मिल जाएगा। सेंटर में आपको सिल्वर कलर की फिनिश मिल जाती है डैशबोर्ड पे, जैसा कि आपने देख ही लिया होगा। ये आपके रियर व्यू मिरर में मैनुअली एडजस्टेबल है। ये आपका कार्ड होल्डर है, इधर में आपको रीडिंग लाइट मिल जाएगी और इस साइड में आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है। तो दोस्तों कुछ ये फीचर्स मिल जाते हैं। आप टेस्ट ड्राइव शुरू करते हैं और आपको बताते हैं गाड़ी फिलहाल 1 साल बाद 16,000 किलोमीटर चलने के बाद, दिखा देते हैं आपको 16,000 किलोमीटर चलने के बाद कैसी चल रही है। तो चलिए टेस्ट ड्राइव शुरू करते हैं। तो चलिए फिर दोस्तों गाड़ी की टेस्ट ड्राइव शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं और 16,000 किलोमीटर के बाद ये गाड़ी कैसे स्टार्ट हो रही है। तो जैसा कि आपने देखा हाफ सेल्फ में गाड़ी स्टार्ट हो गई है और खड़े हुए में ना आइडल कंडीशन में गाड़ी बिल्कुल साइलेंट है, ना ही कोई वाइब्रेशन वगैरह है। आप देख रहे होंगे गियर लीवर वगैरह कुछ भी वाइब्रेट नहीं कर रहा है, आरपीएम की सुई भी बिल्कुल स्टेबल है। तो अब डालते हैं फर्स्ट गियर और पिकअप वगैरह बता देते हैं आपको कैसा है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं अब एक बार पिकअप चेक करते हैं गाड़ी का, 3, 2, 1। तो जैसा कि आपने देखा व्हील स्पिन वगैरह काफी जानदार किया है गाड़ी ने, तो पावर वगैरह जो है ना काफी अच्छी मिल जाती है आपको। और वैसे भी लाइट गाड़ी है तो पावर वगैरह वैसे भी अच्छी जनरेट करती है ये लाइट होने की वजह से। तो अब एक बार 0 to 60 करके देखते हैं गाड़ी का, ये आइडल कंडीशन में आ चुकी है, 3, 2, 1। तो गाड़ी जो है 20 पहुंच गई है, ये आपका 40 और ये गाड़ी ने 60 टच कर लिया है, ये 80। अब ब्रेकिंग की बात की जाए तो 80 to 0 काफी प्यार से विदाउट किसी टायर स्किट के, तो कुछ इस तरीके की आपको इससे परफॉर्मेंस मिल जाएगी। परफॉर्मेंस से ही खुश हो गए लोग इसकी इस गाड़ी को लेते हैं। बाकी हॉर्न वगैरह की बात करें तो ये जो आप हॉर्न सुन रहे हैं आफ्टर मार्केट है, कंपनी फिटेड नहीं है। फिलहाल जो है गाड़ी का एसी बंद है और परफॉर्मेंस आपने देख ही ली होगी 0 to 60। अब एसी ऑन करके आपको एसी वगैरह की भी परफॉर्मेंस बता देते हैं कैसी एसी की परफॉर्मेंस है। बाकी दोस्तों स्टेबिलिटी वगैरह की बात करें ना तो हैंडल का रिस्पांस भी काफी अच्छा है, जैसा कि आप देख पा रहे होगे एकदम आपको फीडबैक मिलेगा और ब्रेकिंग वगैरह भी आपको इसके अंदर ठीक मिल जाती है। बाकी स्विफ्ट की हम मेंटेनेंस वगैरह की बात करें ना तो इससे पहले वाली जो स्विफ्ट आती थी उस तक मेंटेनेंस काफी लो था, इसके आने के बाद से मेंटेनेंस थोड़ा हाई हो गया क्योंकि पार्ट्स वगैरह जो है ना इसके थोड़े से महंगे हैं अगर आप पुरानी स्विफ्ट से कंपेयर करोगे। बाकी सर्विस वगैरह की बात करें तो 2000 से 2500 के बीच में स्विफ्ट की सर्विस हो जाती है अगर आप आफ्टर मार्केट करवाते हैं, मतलब बाहर से करवाते हैं। और परफॉर्मेंस वगैरह जो है ना आपको इस गाड़ी से काफी अच्छी मिल जाएगी। माइलेज की बात करें तो फिलहाल आपको दिखा देते हैं एक बार एमआईडी में क्या शो कर रहा है, फिर आपको वैसे बताएंगे। तो जैसे कि आप देख रहे हैं एमआईडी में 16.1 का माइलेज शो कर रहा है, पर अगर आप इसे इकोनॉमिकली चलाते हैं ना तो सिटी में आपको 16-17 का माइलेज निकाल के देगी और हाईवे पे जो है 20 से 22 के बीच में ये गाड़ी काफी प्यार से माइलेज निकाल के देती है। फिलहाल स्पीड ब्रेकर आ गया और स्पीड ब्रेकर से काफी इजीली निकल गई है। सस्पेंशन वगैरह में कोई आवाज नहीं है गाड़ी के 1 साल के बाद और ना ही कोई एक्स्ट्रा आवाज है। गेट्स वगैरह की बात करें तो फिलहाल कोई आवाज नहीं है, जैसे जैसे पुरानी होगी वो आवाजें तब आएंगी। अब बात कर लेते हैं आपको सेकेंड हैंड या नई स्विफ्ट लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। तो दोस्तों अगर आप स्विफ्ट की तरफ जाना चाहते हैं ना तो आप जा सकते हैं, सिर्फ आपको एक ही कंसर्न रहने वाला है इन गाड़ियों में, वो है सेफ्टी। उसके अलावा आपको किसी चीज की दिक्कत नहीं होगी, सेफ्टी के अलावा सिर्फ सेफ्टी की दिक्कत है। बाकी आप जानते हैं मारुति का नाम जो है काफी अच्छा है मार्केट में और VXI वेरिएंट में आपने देख ही लिया होगा क्या क्या आपको फीचर्स मिल जाएंगे। तो और बाकी हम वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट की बात करें ना इस गाड़ी की तो वो VXI ही है, क्योंकि इसके अंदर आपको सारे बेसिक फीचर्स मिल जाते हैं जैसे कि म्यूजिक सिस्टम है, चारों पावर विंडोज है, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल साइड मिरर्स हैं, सेंट्रल लॉकिंग है, तो ये सारी चीजें आपको इसके अंदर मिल जाएंगी। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट कौन सा है इस गाड़ी का तो ये स्विफ्ट VXI ही है। तो अब हम यहाँ से यूटर्न लेंगे और यूटर्न वगैरह की बात करें तो जैसे कि आपने देखा होगा काफी इजीली यूटर्न ले लिया गाड़ी ने और काफी लाइट स्टेयरिंग है गाड़ी का। तो दोस्तों इतनी थी आज की वीडियो, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। मिलते हैं आपसे ऐसे ही एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।